मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरण तीर्थंकर श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एका भवापारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के ग्यारहवें पटधर सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब आगम विवेचक पंडित रत्न घोर तपस्वी वर्तमान आचार्य प्रवासी पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवासी गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब मेरा नंद आशा के आया हम जीवन उधर परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री परम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते गुरुदेव श्री क्या कहते आत्मबंधु अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को आत्म कल्याण हेतु अंतिम देशना के रूप में उत्तराध्ययन सूत्र का वाचन किया निरंतर 16 प्रहर तक 72 आवर्स के लिए भगवान महावीर स्वामी ने अंतिम देशना दी। पिछले कई दिनों से विवेचना चल रही है उत्तराध्ययन सूत्र के कई अध्ययनों के बारे में हमने चिंतन किया। पहले तीसरे चौथे पांचवे और छठे अध्ययन के अर्थ को हमने जाना उसके विवेचन को सुना किस तरह से हम अपने भीतर से विनय गुण को प्रकट कर सकते हैं चार दुर्लभ अंग का महत्व क्या है। चौथे अध्ययन के अंदर हमने चिंतन किया था कि किस तरह से संस्कृत होने का इम्पोर्टेंस क्या है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग डिसिप्लिन और पांचवे अध्ययन के अंदर हमने क्या सुना था कोई बता सकते हैं पांचवे अध्ययन के अंदर क्या सुना था इरेपरेबिलिटी आई गेस अकाम मरणीय किस तरह से मृत्यु को महोत्सव बनाया जाता है सकाम मरण और अकाम मरण के बारे में हमने चिंतन किया था और छठे अध्ययन के अंदर किस तरह से एक साधक जब संयम के दहलीज पर कदम रख लेता है तो उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए उसका रूटीन क्या होना चाहिए शिल्लक निवृत्तीय अध्ययन के अंदर हमने जाना था। आज हम आगे बढ़ेंगे कि सातवें अध्ययन के अर्थ भगवान ने क्या फरमाए हैं। सातवें अध्ययन का अर्थ नाम है उरभ्रिय यानी पहले अध्ययन की शुरुआत एक मेमने से होती है सो द चैप्टर बिगिंस विद द लैम एंड दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन एज उरभ्रिय। जनरली कहा जाता है कि हैप्पीनेस इज ट्रांजिएंट जो भी हमको लगता है कि ये सुख है लेकिन ये बहुत ही टेम्पररी है ये शाश्वत रहने वाला नहीं है क्योंकि कहा जाता है कि जो आपको सुख लगता है वो वास्तव के अंदर सुख है कि नहीं है आप सब जानते हैं। जानना और मानना दोनों अलग अलग बात है। आप जानते सब कुछ है लेकिन मानने को तैयार है क्या नहीं है। महावीर को आप मानते हैं लेकिन महावीर की मानते कि नहीं मानते मानते हैं मानते भगवान ने कहा कि जो आप सुख की भ्रमणा में जी रहे हैं वो शाश्वत नहीं है सो द हैप्पीनेस इज वेरी टेम्पररी इट इज ट्रांजिएंट यू शुड नॉट डाइव इनटू दिस काइंड्स ऑफ ट्रांजिएंट लाइफ टेम्पररी है आज लगता है सुख है लेकिन सुख नहीं जितना ज्यादा सुख के लिए दौड़ते जाते हैं हाथ में क्या आता है दुख आता है। इसलिए जो भी काम भोग वासनाएं हैं इच्छाएं हैं आकांक्षाएं हैं वो सारे प्लेशर्स जो आपको लगते हैं कि ये हमको सुख देने वाला है लेकिन वहां पर वो ही प्लेशर्स हमको अंत में क्या कर देता है दुख में बदल देता है सो इट इज अ ग्रीफ विच इज एक्चुअली अराइजिंग फ्रॉम ऑल द प्लेशर्स। जिसको सुख मानते हैं वो सुख कदापि नहीं है इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने इस सातवें अध्ययन के अंदर इन क्षणिक सुखों के बारे में वर्णन करते हुए किस तरह से साधक अपनी आत्मा का पतन कर लेता है कैसे व्यक्ति कुछ क्षण के सुख के लिए लंबे समय के सुख को खो देता है इन सबको समझाने के लिए भगवान ने कितने सारे एग्जाम्पल्स इस अध्ययन के अंदर दिए सो ही गेव ऑलमोस्ट लाइक 5 एग्जाम्पल्स टू टीच हाउ ट्रांजिएंट दिस हैप्पीनेस इज। The first example what Bhagwan Mahavir Swami is giving is it is the cow and the lamb. So जब गाय और गाय का बछड़ा जिस समय एक
बुचर पे घर पे है और उसको सूखी घास देते हैं. एंड ऑन द ऑपोजिट साइड व्हाट इज गिवन टू द लैम्प टू ईट, इट इज गिवन ऑल द ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन ग्रास टू ईट. सो व्हेन द काफ वाज लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स, इट केम टू इट्स मदर एंड इट्स आस्क्ड द मदर, मॉम व्हाई इज दिस डिफरेंस, द लैम्प इज गेटिंग ऑल द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, द लैम्प इज गेटिंग ऑल द ग्रीन ग्रास टू ईट and we are getting the dry grass. Why is this differentiation? Why is this partiality? That is the moment when the mother says, the one who is actually engrossed in the good food, that person will soon, that living being will soon experience the ill effect, that will experience all the consequences of having lot of good food. And then the mom says, very soon you will understand what is the concept behind it. And one day there was a guest arrived in that butcher's house. The guest was waiting. If any guest comes home, then what I can do is I can butcher the lamb and I can give the flesh to meat to all the guests. And when the lamb's head was cut, the calf was very much scared. And it came to the mother and asked the mother, mom, lamb was caught to death. Will I also be caught to death one day? Mom said, the one who eats, the one who is engrossed and attached to food and enjoys the food so much, and if he is not understanding the real concept of happiness, then the living being will end up in such kind of consequences. But because you are eating the dry grass, you are not expected to get into all these troubles. तो कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से जो जीव स्वाद के लिए अपने आप को डुबो देता है, जो स्वादु बन जाता है, वो अपनी आत्मा का पतन कर लेता है. जिस तरह से कोई व्यक्ति, जिस तरह से वो मेमना है, वो लैम्ब है, वो क्या किसके लिए रिजर्व्ड है? गेस्ट के लिए रिजर्व्ड है कि जब घर के अंदर मेहमान आएंगे तो उसकी क्या की जाएगी, हत्या की जाएगी. ठीक वैसे ही जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वो अज्ञानी व्यक्ति जो पाप के अंदर डूबा हुआ है, वो किसके लिए इंतजार करता है? वो दुर्गति के लिए इंतजार करता रहता है. तो भगवान ने कितने सुंदर तरीके से अलग अलग तरह के उदाहरण दे करके कह रहे हैं कि जो स्वाद के अंदर तल्लीन रहता है, काम भोग वासनाओं के अंदर डूबा हुआ रहता है, वो अपनी आत्मा का पतन कर लेता है. जैसे वो मेमना इंतजार कर रहा था कि कोई गेस्ट आए तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से दुर्गति हो जाएगी. ठीक ऐसे ही जो व्यक्ति, जो जीव अपनी आत्मा का पतन करता है, पाप में डूबा हुआ रहता है, उसका क्या हो जाता है? या तो नरक गति या तिरंज गति के अंदर उस जीव को कृत कर्मों के दुख को, दंड को भोगना पड़ता है. काफी बार क्या होता है कि क्षणिक सुख के लिए वो जो दिव्य सुख है, जो बहुत लंबे समय का सुख है, दीर्घ सुख है, उसको वो भूल जाता है या हार जाता है. ये अधिकांश आज के जमाने के अंदर लोगों को देखने को मिलता है. वो अभी नेक्स्ट मोमेंट खुश होने के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, बट दे फॉरगेट अबाउट द लॉन्गर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑल दोस एक्टिविटीज. दे आर ओनली बॉदर्ड अबाउट द इमीडिएट हैप्पीनेस, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द रेस्ट ऑफ द लाइफ. तो क्षणिक सुख के लिए वो पाप कर्म कर लेंगे, क्षणिक सुख के लिए जो जो काम नहीं करना चाहिए वो सब कर लेंगे, लेकिन उस एक्टिविटी का जो कॉन्सिक्वेंस होगा, उस कर्म के जो फल जिस समय कर्म उदय के अंदर आएंगे, उसके फल को भोगते समय भूल जाते हैं और बांधते समय का हंसते हंसते बांध लेते हैं, लेकिन जब कर्म उदय के अंदर आते हैं उस समय बहुत ही दीर्घ वेदना सहन करनी पड़ती है. इस सत्य तथ्य को जानने के लिए पुनः भगवान महावीर स्वामी ने एक छोटा सा दृष्टांत बताया. हाउ अ पर्सन एक्चुअली फेल्स टू अटेन मेजर हैप्पीनेस एंड ही फॉल्स टू द स्मॉलर माइनर हैप्पीनेस. सो देयर वाज अ बेगर. सो व्हाट द बेगर डज इज, what does a beggar do? I want the kids to answer. What does a beggar do? Yeah. The beggar, he asks for food. He asks for food. He asks for stuff to other people. Stuff to other people. What else? Mainly? The mainly thing is like what
like beggar already have stuff, a good stuff, and he wants more good stuff. Like he's getting being greedy. He is being more greedy. Yes, you're right. And then the beggar will ask for money. Yes or no? Yes. Mainly the money, food. How much food does a person need every day? Very little food you need every day. But then, how much money do you need? Can you tell me how much money do you need? How much money do you need? How much money do you need? How much money? Dollar. How many dollars? $1. अभी छोटे हैं तो छोटी इच्छा है, बड़े होंगे तो इच्छाएं unlimited हो जाती. So what happens? This beggar is asking money from people, and he keeps begging for money. And the whole day he is making for months together, he makes all the efforts and he earns some money out of begging. And he attains 1000 gold coins, which is called Karshapan. So one Karshapan in the olden days, one Karshapan was equivalent to 20 kakini. So that is also those days of currency. So what happened after earning 1000 Karshapan, the gold coins, he was planning to return to his home, and while returning he thought he wanted to eat something. So he broke that one karshapan, one gold coin, into 20 kakini. So similarly, if you have $1, if you want to spend something, what will you do? Break it into how many cents? 100 cents. So similarly, one gold coin, one karshapan, was broken into 20 kakini. So what he did with that thing, he started spending that to eat food for all his needs. He was spending, and only one kakini was left. That means out of 100 cents, how many cents were left? One cent. To understand, I will just compare it with a cent. So only 1 cent was remaining, and with that one kakini, that beggar actually moved. And while he was going, he forgot that one kakini in some place. Now, out of 1000 gold coins, how many gold coins did he spend? Only one gold coin, and in that he was actually having one kakini left over, which he forgot somewhere. All of a sudden, while he was walking, he remembered that he left his one kakini and he has to get back. So again, there was a thought pattern: if I take all the 999 gold coins, I may lose somewhere. So it is always better not to carry. It is risky, because if some thief or if some dacoit comes in between the way, if the person loots me, then I will lose all the money. So it should be safeguarded, and then I can return back to take that one kakini. So what he does, he digs the ground beneath a tree, and he just put all the gold coins into that mud, and he just covers with the mud. He did know that there was a person who was sitting on the tree and looking at all these things. Oh, look at that. You see? We didn't know that there was a robber sitting on the tree and looking about all these activities which the beggar was doing. And when the beggar went to get one kakini back, he could not find that. And finally, when he returned back with all the sadness, and he tried to dig, but there was no gold coin, and somebody has actually stolen all the money. So for the expectation of 1 cent, or for the expectation of one kakini, how much money did he lose? He lost everything. Similarly, every one of us do the same thing. For the small happinesses, you lose huge happinesses, which could be actually achieved at a later stages. Do we do it or not? Yes. Yes? Your mom says, watch less TV, don't stare at the TV so much, you will lose your eyesight, or you will actually harm your eyes, but you don't understand the consequences, and you keep looking, you keep staring at the TV. And there are many people who don't actually take care of their position. What should be the position when you are watching TV? What should be the ideal position? It should be upright. Should be upright. What else? How should you, if you're watching TV, how should you watch? You should watch from far away. You should watch from far away. What should be the minimum distance? Yes? 10 feet, like... How much it should be? Like 2 feet away. At least 3 to 4 feet away?
And when you're reading a book, what should be the position? Yes? About... How much distance should be between your eyes and the book? 8 inches. How many centimeters? How many inches? Yes? How much? So today when you go back home, you can Google and see how much is the distance. I know I can tell you, but then you have to search. You should know what is the right distance between your eyes and your book. And what should be the upright position. Can you do some research? 8 inches. 8 inches? Yeah. How many centimeters? How much is 1 inch? 2.5 centimeters is 1 inch. Almost like 25 to 27 centimeters away from your eyes should be the upright position to hold your book like this and read. अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक लेके पढ़ेंगे तो आंखें क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी. Many times you lie down like this and read. You sit in a wrong position. You lie down and read. You lie down back with your belly on the floor. All these wrong positions. So what are you doing? You're only concentrating on the immediate happiness. You feel good when you're lying down like this, but then at a longer run, it is actually affecting your back. And when you grow older, you will complain, Mom, my neck is hurting, my back is hurting. Yes or no? Yes. So Bhagavan Ramaswam is saying that you should not fall to minor happinesses and you should always focus on the longer run. You should always focus on the future consequences and the major happinesses which you can actually achieve at the later stages. So similarly, there is another example which is given by Bhagavan Mahaviswami. So there are so many stories today. I'm going to tell you some 5 to 6 stories. Look at that. Wow. Sara, to look at that. Wo aapki ichha. Minor happiness. अगर सहारा गलत लेते हैं तो फिर आगे प्रॉब्लम होती है. अगर इवन नहीं है, आपका बैक स्ट्रेट नहीं है, तो आपके स्पाइनल कॉर्ड में डिस्टरबेंस होने वाला है. सो दैट यू हैव टू बी केयरफुल. सो द नेक्स्ट एग्जांपल व्हाट भगवान महावीर गिव्स इज अ ऑब्सेशन फॉर टेस्ट. हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑब्सेशन फॉर टेस्ट? और इंडिया जाओ तो दो तीन साल का इंडिया जाने उसके लिए है. साल भर का कोटा कंप्लीट. दो तीन साल. You wanna say something? So there is, because of the obsession of taste, we look only for the immediate happiness. And now because you have already celebrated Diwali and a lot of festivities, right? And after a week, you again have, what is that? Halloween. And kids will have a lot of candy. So you are only looking at the immediate happinesses. But when you actually look at the consequences, what could happen? Eating a lot of candies, what would it do? It could harm your teeth. It could decay your teeth. Cough, yes. What else? Throat infection? Diet. Diabetes. That's right. Lot of glucose, lot of sugar in your blood. Pain, cavity. What else? So what should you do? You should. So eat the chocolate, eat the candy and then brush right after that. So yes. How many candies will you eat? limit your candies. So you have to limit your candies. That is the best thing. What you have to do is you need to limit your candies. You have to limit what you're actually going for, that obsession of taste. Whatever you're eating, you should be very much careful. What to eat, when to eat, how to eat, why to eat. So when you answer all these things, what, why, when, how, then all problems will be solved. You should gauge yourself what has to be eaten, why it has to be eaten, how it has to be eaten, and when. Suppose if you want to eat some sweets, when should you eat? Before the food, after the food, or in between the meal? Three times. After the food.
After food, okay. What else? Rajasthan kya to? Before the food. हम तो तीनों बार खाने वाले बंदे हैं. Rajasthan कह रहे तो खाने से पहले. बीच में भी. खाने से पहले, बीच में भी और बाद में. कुछ लोगों के मन में भी ये रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि भोजन के एंडिंग में खाओ तो डाइजेशन अच्छा होता है. I really don't understand the concept. What is the sweet to go with the digestion? I really don't understand the logic behind this. But as per the doctor's advice, you should always eat sweets between the meal. ये आपकी जो रीति रिवाज traditions जो है उसमें ही logic क्या होना चाहिए. अगर पहले खा रहे हैं उसके बाद भोजन कर रहे हैं तो एक ये भी होता है कि अगर बीच में खा रहे हैं या starting में खा रहे हैं, because the sweet or chocolates or candies are sticky and it will stick to your teeth. And if it remains on your teeth for a long time, then it will lead to your cavities. So, agar beech mein khate hain ya starting mein khate hain, uske baad khana kha rahe hain, so it will wash away. So, you should know what to eat, why to eat, how to eat, when to eat. But long lasting taste. Beyond limit. Yes? Long lasting taste to nahi rahega na. So, that's what I'm telling. If there is an obsession for taste, then it cannot be helped. कुछ लोग क्या करते हैं पता है, भोजन के लास्ट में खाते हैं, ये सोचते हैं कि बहुत लंबे समय तक मुंह में वो टेस्ट रहेगा. बट चिंतन करना, टेस्ट इज ऑल अ स्टेट ऑफ माइंड. इट इज ओनली द स्टेट. किसी को करेला कड़वा लगता है, किसी को करेला खाना अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, किसी को ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगता और किसी का फेवरेट कलर कौन सा होता है? Somebody likes it and somebody doesn't like it. So it is all a state of mind. Nothing is good, nothing is bad. It is only our mind which is good or bad. It is only our thoughts which is good and bad. So Bhagavan Maya Swami is telling, like it's your opinion. It's not like everybody knows that the kind of color is an opinion that it's. Like, yeah, it is a state of mind. It is only an opinion of a person that it is good or bad. So, as such, anything or any color or any object is not good, neither good nor bad. Everything is good and bad only because of our opinions and thoughts. So, there is an example which is given here. How the king ends up in death because of the obsession for taste. So, this king develops from disease. Whenever he eats mango, he ends up in a trouble. He ends up with a digestive problem. So, जब कभी भी वो आम खाता था, तो वो आम के कारण से उसका पेट खराब हो जाता था. इसीलिए भगवान वैद्यराजों ने, चिकित्सकों ने कह दिया कि तुमको क्या नहीं करना है, आम नहीं खाना है. अगर आम खाओगे तो वो तुम्हारे लिए अपचयकारी है, इसीलिए आपको क्या नहीं करना, आम नहीं खाना है. So one day what happened, the king and the minister, both of them went to roam around in the forest. While he was roaming around in the forest, he saw a mango tree. The moment he saw a mango tree, I told you in the morning, jahan nishedh hai, wahan nimantran hai. Whenever you say, no, don't go there, the kid will obviously go there. Similarly, when the doctor say, you don't have to eat this, what will you do? You obsess to eat that. Any diabetic patients here? So when doctor says you're not supposed to eat sweets, you develop a craving for sweets. And when a person, blood pressure patient, is asked not to eat the salt, not to eat papad, what will the person do? Feels like eating papad every day for each meal. So jitna jada nishedh karte hain, utna jada wahan par wo kaam ho jata hai. Raja ko kaha aam nahi khana. तो जंगल में जब चल रहे थे तो चलते चलते क्या किया, आम का पेड़ देखा, बड़े रस भरे आम लगे हुए थे और उसको देखते ही राजा का मन फिसल गया. So he could not control his mind. Somehow he could convince his minister. मंत्री ने बोला कि नहीं राजा साहब, आपको आम नहीं खाना है, आप बीमार हो जाएंगे. But he did not listen. And then when he ate mango, he actually had to suffer with the disease, and then the king had to die. So because of the obsession for taste, because he was obsessed for minor happinesses, he lost his major happinesses, he lost his life, he lost the happiness of the kingdom. So is it worth? It's not worth to get this obsession.
Now you need to decide whether you eat to live or live to eat. खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं वो आपको निर्णय करना है, आपको डिसाइड करना है। इस सातवें अध्ययन के बारहवीं कड़ी के अंदर भगवान महावीर स्वामी कहते हैं एवं मानुष कमा देव कमानते सहस गुणीय बुझो औं कमय दिव्या। सो ऑल दीज ह्यूमन प्लेजर्स, भगवान महावीर स्वामी सेइंग that human pleasures are insignificant and they're very less compared to the pleasures, the luxuries of a divine being. So devgati ke andar jitna sukh hai, devgati ke andar jitna luxuries hai, jitna pleasures hai, uske comparatively manushya janm ke andar koi bhi kaam bhog ka sukh bhi nahi hai. Kevel kshanik sukh ke liye jo moksha rupi dirgh sukh milne wala hai usko vyakti kya kar deta hai, kho deta hai. Pleasures are not the true happiness. आपको लगता है आपके पास जितने ज्यादा वस्तुएं होंगे, आपके पास अच्छे अच्छे कपड़े होंगे तो आपको सुख मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, अगर कोई व्यक्ति आपको कॉम्प्लीमेंट देगा ओह इट लुक्स सो गुड, अगर कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो फिर उसमें आपको सुख मिलेगा ऐसा सोचते हैं, तो ये सब क्या है, भ्रांति है। क्योंकि जहाँ पाप है, पाप करके प्रसन्नता का भाव रखते हैं तो निकाचित कर्मों का बंधन होता है, और जो निकाचित कर्म होते हैं उनको भोगना ही पड़ता है। जो निदित कर्म है, जो हल्के कर्म है, उसको भोगना ही पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको हम पश्चाताप की भावना से, प्रतिक्रमण से, तपस्या से झरझरित कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली कट डाउन ऑल दोस काइंड्स ऑफ कर्मास विच आर नॉट इंटेंसिव, बट इफ यू बाइंड इंटेंसिव कर्मास विद ऑल द राग एंड द्वेष एंड ऑल द अटैचमेंट्स एंड अवर्शंस देन यू हैव टू फेस इट एज इट इज। तो इसके बारे में कई उदाहरण आपको पहले भी हमने दिए थे, भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भव त्रिपुष्ट वासुदेव का उदाहरण भी आपको दिया था कि किस तरह से वो राग द्वेष की भावना से क्रोध में आकर के गरम गरम शीशा दलवाया था कानों के अंदर, और जब भगवान महावीर स्वामी के जन्म में जब कर्म उदय के अंदर आए थे तो उनके कानों में क्या ठोके गए थे, कीले ठोके गए थे। तो जहां पर पाप करके प्रसन्नता है वहां पर क्या करना पड़ता है, भोगना पड़ता है। खंडक ऋषि के बारे में आपने सुना था प्रवचन के अंदर, कल सुबह देह चूर कर्म चकना चूर के अंदर, कि किस तरह से वो घाणी के अंदर पीले जाते हैं। एक और खंडक ऋषि के बारे में वर्णन आता है कि पूर्व भव के अंदर काचरा छीला था, काचरा समझते हैं, इट इज वन फैमिली ऑफ क्यूकम्बर टाइप, पंपकिन टाइप, तो वो काचरे को छीलते हैं, अखंड छीलते हैं। पूर्व भव के अंदर अखंड काचरा छीला था, और जब अखंड छीलने के बाद उस पीड़ को इकट्ठा किया, एक साथ रखा, तो ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा काचरा ही है, इट वॉज नॉट लुकिंग लाइक इट इज ओनली द पील। तो ये काचरे को छीलना यानी वनस्पति का एक छेदन भेदन करना क्या है, वायलेंस है, राइट, चॉपिंग द वेजिटेबल्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वायलेंस, यू आर वायलेटिंग दोज लिविंग थिंग्स। तो काचरे को छीला पाप है, आरंभ समारंभ की क्रिया है, लेकिन काचरे को छीलने के बाद प्रसन्नता की भावना, देखो मैंने कितना अच्छा अखंड काचरा छीला, लोगों ने भी बड़ी प्रशंसा की कि देखो कितना सुंदर तरीके से काचरा छीला है, तो वो और ज्यादा फूले नहीं समा रहे थे। उस समय निकाचित कर्मों का बंधन कर लिया, और वो खंडक ऋषि जिस समय खंडक ऋषि के भाव के अंदर वो कर्म उदय के अंदर आए, तो कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि उनको अपने शरीर की सारी चमड़ी खाल उतरवानी पड़ी थी। So his entire skin of his entire body was peeled out. तो जो कर्म करते हैं उसका कर्म उदय में जब आता है तो विद इंटरेस्ट भोगना पड़ता है। तो कभी आप खाना बनाओ तो आरंभ समारंभ की क्रिया लगती है, कुछ भोजन अच्छा तैयार हो जाता है, टेस्टी बन जाता है, और कोई कॉम्प्लीमेंट देवे तो क्या करना, अपने आप को कंट्रोल में रखना, मन में वहां पर प्रसन्नता की भावना में मत जाना, वहां मैंने तो बहुत अच्छा बनाया, कितने लोगों ने प्रशंसा की। इस तरह से अगर पाप करके प्रसन्नता की भावना रखते हैं तो निकाचित कर्मों का बंधन हो सकता है। There all small small things which if you take care, you will actually refrain from all the bad karmas and the intensity of karma. क्योंकि जहां निकाचित कर्म का बंधन होता है वहां पर उसके फल भी बहुत ज्यादा तीव्र होते हैं। नेक्स्ट भगवान महावीर स्वामी बताते हैं कि हम अपने जीवन में क्या कमाते हैं, क्या गंवाते हैं, और क्या अपनी पूंजी को बना के रखते हैं।
हर एक जीव अपनी पूंजी को भी बनाए रख सकता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपनी पूंजी बना करके रखते हैं, कैपिटल को बचा के रखते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने जन्म के कैपिटल इन्वेस्टमेंट को गवा देते हैं, पूंजी को गवा देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो अपनी पूंजी को बढ़ा देते हैं और प्रॉफिट कर लेते हैं। सो देयर इज अ स्मॉल स्टोरी टू डिपिक्ट दिस इंसिडेंट, दिस कॉन्सेप्ट, हाउ अ पर्सन कैन अपलिफ्ट हिमसेल्फ, हाउ अ पर्सन स्पॉइल्स हिज लाइफ। सो देयर वाज अ फादर एंड थ्री सन्स। So all the three sons were leading a proper normal life, and the father was thinking, out of three, who is intelligent? Whom can I make my successor? मैं अपने तीन पुत्र में से कौन से पुत्र को अपना क्या करूं, वंश का आगे बढ़ाने के लिए सक्सेसर बनाऊं। उस समय विचार किया कि ऐसा ही किसी को रैंडमली नहीं बनाना चाहिए, कुछ परीक्षा लेनी चाहिए। तो जो तीन मणिक पुत्र थे उन तीन मणिक पुत्रों को भी कुछ मूल धन दे दिया। यू कैन सी इन द पिक्चर, सो फादर इज गिविंग सम अमाउंट ऑफ मनी टू ऑल द थ्री, इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। एंड देन ही सेड, आफ्टर फ्यू इयर्स यू ऑल थ्री आल्सो हैव टू कम बैक एंड यू हैव टू रिटर्न द मनी बैक। सो ऑल द थ्री वेंट। देयर वाज वन पर्सन, वन सन, हु एक्चुअली कुड safeguard only the amount what his father had given, and the other person actually lost what he had got because he ended up with a wrong friend circle and he spent all the money. He could not earn a single penny and he became a poor person. He lost everything. And the third person, he actually went on with that small amount of money which his father had given, did some good business, he earned lots of money, and he is showing to his father that I earned everything and I got it back. So these are the three kinds of people, these are the three kinds of sons, and the father decides to make the third son to be. There are few people who actually end up in loss, and there are few people who actually excel from their capital investment and they expand their business like anything. There are three kinds of people. So there are few living beings who also are like this way. So this is a comparison what the one Maharaj from is giving. So human existence is like a capital investment. Manushya janma, yani aap agar saralta bhav rakhte hain, daya bhav rakhte hain, shubh bhav rakhte hue manushya janma ko maintain karke chalte hain और आने वाले भव में भी इस तरह के कर्म करते हैं जिससे मनुष्य जन्म मिलता है, दैट मींस यू आर एक्चुअली सेफगार्डिंग योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नथिंग मोर नथिंग लेस। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है, आप व्रतधारी श्रावक बन जाते हैं, श्रावक व्रत का पालन करते हुए सरलता भाव रखते हुए आप आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करते हैं। सो व्हेन यू डू ऑल दीस थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग, यू एक्चुअली the living being will go into the divine existence, yani devgati ko prapt karta hai. So that is again like a profit. You are actually excelling from your capital investment and you are raising your profit. And the third living being is loss of capital. Because of ignorance, because of lack of knowledge, the person will actually detain and the person will go into the downfall. And because of that downfall, the person will lose the capital investment, then the person will lose all the treasure which he had and he ends up in some hell or animal existence. Tiryan cha narak gati ke andar chala jata hai, yani jo punji hai us punji ka bhi ras kar leta hai, nash kar leta hai. So is tarah se सातवें अध्ययन के अंदर भगवान महावीर स्वामी ने इस तरह से पांच दृष्टांत को देते हुए क्या किया था, हम सबको ये बोध दिया कि क्षणिक सुखों के अंदर नहीं रहना है, हमको दीर्घ सुख के लिए, वो भी कौन सा, देवगति का नहीं, मोक्ष का, जो दीर्घ सुख है, अनंत सुख है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, तभी आत्मा का कल्याण हो सकता है। So, that, the very third